Hello all my dear CA final student. In this particular lecture, I am going to tell you important case study digest that you need to cover. I know that आप इस particular lecture का बहुत 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 time से wait कर रहे थे, but now it's come to an end because मैंने बहुत ज़्यादा research वगैरह करके बहुत ज़्यादा हर एक case studies को देखकर उसके बाद में आपके लिए ये particular case studies छाती हैं. ठीक है, तो अगर अभी तक भी आपने कोई सी भी case study digest नहीं करी है या फिर आप करने वाले हैं तो टाइम अगर आपके पास में कम है, बिकॉज अभी तो टाइम बहुत कम होगा आप लोगों के पास में, तो कौन कौन सी केस स्टडीज तो हैं जो आपको पक्का पक्का से कर लेनी है एंड उसके बाद में आप दूसरी केस स्टडीज के ऊपर जा सकते हैं. ठीक है, तो देखिए आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो, आपको उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चैप्टर्स का. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर यू नीडेड टू डू द केस लॉज. ओके, कंफ्यूज मत होना, केस लॉज कवर करनी है. ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द केस लॉज यू नीडेड टू कवर द केस स्टडी डाइजेस्ट. केस स्टडी डाइजेस्ट जो आईसीएआई ने इशू करी है. ठीक है, तो उन 55 प्लस केस स्टडीज हैं जो आईसीएआई ने रिलीज करी हैं, प्लस 7 एडिशनल केस स्टडीज हैं. जो 7 एडिशनल केस स्टडीज हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको छोड़ देना, उनको प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है. डायरेक्ट आ जाना आप अपने 55 केस स्टडी वाली बुकलेट के ऊपर. अब उन 55 केस स्टडीज में से भी ये केस स्टडीज अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा कवरेज मिल जाता है. बहुत सारे टाइप ऑफ जो कि रिपीटेड है ना, रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं, रिपीटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो देखने को आपको नहीं मिलेंगे. एक अच्छा खासा कवरेज आपका हो जाएगा, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स. यस, इसके अंदर थोड़ा अमेंडमेंट वाला कवरेज भी आपको मिल जाएगा. कैसे मिलेगा वो आइए देखते हैं अपन. ठीक है, तो ये केस स्टडीज हैं जो मैंने अप्रोक्सीमेटली 13 या 12 आप ले लीजिए, 12 केस स्टडीज मैंने निकाली हैं जो कि आपको एटलीस्ट कवर करनी ही करनी है. ठीक है, कौन कौन सी है वो केस स्टडीज. केस स्टडी नंबर 1, अभी जो 6 और 8 और इनके आगे मैंने स्टार लगाया है ना, स्टार का मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज अमेंड हुई है. इन केस स्टडीज के ऊपर कुछ ना कुछ चीज अमेंड हुई है. क्या चीज अमेंड हुई है तो वो आप क्या कैसे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस. इम्पॉर्टेंट चेंजेस वाली मेरी एक वीडियो है जो कि आपको लाइव सेक्शन के अंदर मिल जाएगी शायद. इम्पॉर्टेंट चेंजेस से रिगार्डिंग जो वीडियो है, तो आईसीएआई ने कोरिएंडम इशू करा था, उसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस बताए थे और साथ साथ ये भी बताया था कि ये वाली केस स्टडीज के कुछ कुछ आंसर्स जो है ना वो अमेंड हो गए हैं, तो इसीलिए ये वाली केस स्टडीज को मैंने इसके अंदर इंक्लूड करा है. कम से कम ये चेंजेस वाली केस स्टडीज तो आप देख ही लेना. ठीक है, सो केस स्टडी 1 है, 6 है, 8 है, 12, 17, 21 एंड 22 में से कोई एक कर लेना, और अगर आपके पास में टाइम हो तो 21 के बाद में प्रेफर करना कि 22 भी आप कवर कर लो. ठीक है, आफ्टर दैट 28, 37, 40, 41, 51 के अंदर भी थोड़ा सा अमेंडमेंट है जो आपको कोरिएंडम के अंदर मिल जाएगा, एंड केस स्टडी नंबर 52. ओके, ये सारी केस स्टडीज आपको कवर करनी है. ये जो इम्पोर्टेंट केस स्टडी का ये जो अपना पीडीएफ है, ये आपको आराम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, प्रैप लॉजिक्स में, वहां पे अपलोड कर दूंगी. इसको चाहिए तो आप प्रिंट भी निकाल के रख लीजिए और यहाँ पे टिक करते रहिएगा कौन कौन सी केस स्टडीज जो है हमारी हो गई, और उसके बाद में अगर आप कुछ एडिशनल केस स्टडी सॉल्व करें तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके, उसके बाद में नोट्स के लिए मैं आपको खाली ये बोलूंगी दैट फर्स्ट यू नीड टू कवर द चैप्टर्स ऑफ वन सेकेंड या फर्स्ट यू नीड टू कवर द चैप्टर्स आफ्टर दैट द केस लॉज एंड उसके बाद में ही आप इन केस स्टडी डाइजेस्ट के ऊपर आना. ठीक है, दिस शुड बी योर सीक्वेंस एंड ये है अपने इंपॉर्टेंट केस स्टडीज. इसका लिंक वगैरह आपको कहाँ पे मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल क्रैप लॉजिक्स के नाम से है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगी. और कुछ अगर मेरी तरफ से आपको रिक्वायरमेंट हो तो मुझे जरूर से कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं. और अगर आपने मेरा मैराथन नहीं देखा है तो आप मेरा मैराथन भी देख सकते हैं, फुली अमेंडेड है हमारा मैराथन इकोनॉमिक लॉस के लिए. मई 23 के लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट बना रखा है. ओके, एंड इसके अलावा तो और कुछ नहीं गाइस. यस, वन मोर वीडियो इज अपकमिंग टू मी जो कि मैं आपके लिए करने वाली हूँ, वो है लास्ट डे का प्लानिंग कैसा रहेगा बहुत सारे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए. क्या आपने अभी तक इकोनॉमिक लॉस कुछ हुआ भी नहीं है फिर भी आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप कैसे उसको प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आप कैसे उसको प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिंगल ग्रुप 2 दे रहे हैं तो आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए इकोनॉमिक लॉस की, उसके रिगार्डिंग मेरी एक वीडियो आने वाली है. तो इस चैनल को अच्छी तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ मेरी तरफ से अगर आपको इनपुट चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा. दैट्स ऑल फॉर माय साइड फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.